हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं विरत दुबे आप लोगों का इस अपने सिलेक्शन मेंटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं 10 और 11 अप्रैल की करंट अफेयर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बनेंगे 10 और 11 अप्रैल से, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, आप इस यूट्यूब में जो लाइव करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे जो नंबर दिए हुए हैं, इन दोनों नंबरों में से किसी एक पर भी अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और आप इस चैनल को पसंद करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। चलिए तो चलते हैं, आज की पहली करंट अफेयर्स जो है उसको डिस्कस करते हैं। पहली करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये है, व्हाट इज़ द अप्रूव्ड अमाउंट अंडर COVID-19 एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा COVID-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज के तहत अनुमोदित राशि कितनी है? तो दोस्तों, अनुमोदित राशि जो है वो है 15,000 करोड़, ठीक है, 15,000 करोड़ अनुमोदित राशि है। और इस अनुमोदित राशि के की सहायता से अगर देखा जाए तो जो COVID-19 जो महामारी फैली हुई है, इससे बचने के जो उपाय हैं या जिसमें खर्चे होने वाले जो पैसे हैं, वो इस फंड से जो है वो पूरे किए जाएंगे। जिसमें से अगर 7,774 रुपये अगर देखा जाए, 7,774 जो करोड़ जो रुपीज़ हैं, ये रिलीज़ किए जाएंगे जून 2020 तक। और जो शेष राशि है वो अगले 4 साल तक में से किसी भी समय जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो रिलीज़ किए जाएंगे। यानी 2024 तक के लिए ये फ़ंड जो है 15,000 करोड़ रुपीज़ का जो है रिलीज़ करने की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच अलॉन्ग विद यूनिसेफ एंड UNO लॉन्च डिजिटल कैंपेन टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ ट्राइबल गैदरर्स। तो उस संगठन का आपको नाम बताना है जिसने यूनिसेफ और WHO के साथ मिलकर जनजातीय जो समूह की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल अभियान चलाने की बात करी है। तो जनजातीय समूह की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल अभियान चलाने की बात करी है ट्राइफेड ने। और ट्राइफेड में TRI जो है, ये TRI मतलब हो गया ट्राइबल, और FED जो है ये फेड है, तो ट्राइबल फेडरेशन ये इसका फुल फॉर्म है। लेकिन इसका और भी ज़्यादा फुल फॉर्म यहाँ पर देखेंगे हम लोग, लिखा हुआ ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये पूरा ट्राइफेड का फुल फॉर्म है, लेकिन उसमें ट्राई और FED का मैंने बात बताया आपको। तो ये यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है मिल करके एक ओरिएंटेशन तरीके का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये बात, ये जो तीनों लोगों का कोलैबोरेशन है, तीनों चारों लोगों का जो कोलैबोरेशन है, इससे जो हमारे ये जो जनजाति समूह के जो लोग हैं उनकी जो कह सकते हैं कि जो कोविड-19 के कारण उनके लिए जो सुरक्षा का जो दिक्कत हो रहा है, उस सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बात यहाँ पर करी गई है, ठीक है। अगली बात करते हैं यहाँ पर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द इंडियन स्टेट यूनियन टेरेटरी, नेम द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी विच लॉन्च्ड ओरिएंटेशन ऑपरेशन शील्ड इन कंटेनमेंट एरियाज COVID-19, ठीक है। तो जितने भी कंटेनमेंट एरियाज हैं उसमें COVID-19 से, उसमें कौन सी केंद्र या राज्य सरकार है जिसने जो है ऑपरेशन शील्ड नामक जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है? तो ये काम किया है दिल्ली ने, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने किया ये काम। और 21 एरियाज जो हैं वो पॉइंट आउट किए गए हैं, 21 क्षेत्र जो हैं वो पॉइंट आउट किए गए हैं, जहां पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए कि ये जो ऑपरेशन शील्ड है, ये सीलिंग, होम क्वारंटाइन, इंसोलेशन, ट्रैकिंग, एसेंशियल सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़ एंड लोकल सैनिटेशंस एंड डोर टू डोर हेल्थ चेकअप्स वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं ये करने का काम इस ऑपरेशन शील्ड के दौरान किया जाएगा। खास नज़र रखी जाएगी सभी के ऊपर इन पॉइंटेड एरियाज में। नेक्स्ट लिखा हुआ है, फाइंड द ई कॉमर्स कंपनी जो कि बेंगलोरी में है विच टाइज अप विद ICICI लोम्बार्ड एंड गो डिजिटल इंश्योरेंस कंपनीज टू लॉन्च हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो ई कॉमर्स कंपनी का नाम बताना है आपको जिसने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को लॉन्च करने के लिए ICICI लोम्बार्ड और गो डिजिटल बीमा कंपनी के साथ जो है कह सकते हैं कि टाई अप किया है। तो इस कंपनी का नाम है फ्लिपकार्ट, ये काम फ्लिपकार्ट ने किया है। फ्लिपकार्ट ने इन दोनों कंपनीज़ के साथ मिल करके दो कह सकते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी लॉन्च करी हैं, जिसमें से एक है COVID-19 प्रोटेक्शन कवर
और दूसरी है डिजिटलनेस ग्रुप इंश्योरेंस। तो ये दो पॉलिसीज़ हैं जिसको जो है मिलकर के फ्लिपकार्ट ने ICICI और गो डिजिटल जो इंश्योरेंस है उसके साथ कह सकते हैं कि लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, व्हाट विल बी द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर RBI's मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के अनुसार, मौद्रिक नीति रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष की पहली तिमाही का मतलब फर्स्ट क्वार्टर जो फाइनेंशियल ईयर 21 में होने वाली है, पहली तिमाही में भारत का उपभोक्ता सूचकांक जो है वो उस पर आधारित जो मुद्रास्फीति है वो कितनी होगी। तो इस पर आधारित मुद्रास्फीति जो है वो 4.8% होगी, ऐसा अनुमान जो है वो MPR जो है उसने लगाया है। MPR मतलब मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, ये RBI की रिपोर्ट है। इसके अनुसार अगर चारों क्वार्टर्स को देखे जाएँ वर्ष भर के, तो जो पहला क्वार्टर है उसकी बात करी जा रही है उसमें 4.8% का इन्फ्लेशन रेट देखा जाएगा। अगर सेकंड क्वार्टर की बात करें तो इसमें 4.4%, थर्ड क्वार्टर की बात करें तो 2.7% और फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो 2.4% ये रहने की संभावना है, ऐसा गवर्नमेंट ने बताया है, ऐसा RBI की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में बताया गया है। ये सारे जो डिग्रेडेशन आप देख रहे हैं ये सब, इसमें मुख्य वजह जो है वर्तमान समय में अगर देखी जाए तो COVID-19 है, लेकिन धीरे धीरे करके इससे उभरने के प्रयास किए जाएंगे RBI के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, हु इज़ द फेस ऑफ RBI's ट्विटर कैंपेन टू अडॉप्ट डिजिटल मॉडल्स ऑफ पेमेंट। तो भुगतान के लिए डिजिटल तरीके को अपनाने के लिए RBI के ट्विटर अभियान का जो कह सकते हैं एम्बेसडर या चेहरा कौन है, तो ये चेहरा है बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन जो है इसके कह सकते हैं कि मेन फेस हैं। ऑनलाइन जो पेमेंट सिस्टम है, जितने भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, इसको बढ़ावा देने की बात सरकार कर रही है। प्रेजेंट सिनेरियो देखते हुए इस समय जो है नोट जो है वो कह सकते हैं कि हाथ में लेकर के उसको एक से दूसरे हाथ में जाएगा तो फिर वो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पर जो है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिजिटल पेमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे NEFT है, IMPS है, UPI, BBPS है, ये 24/7 आवर्स हैं और आजकल तो ये सब चीज़ों पर कोई भी कह सकते हैं कि साइड अमाउंट भी नहीं पड़ रहा है, तो आप आराम से इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है, नेम द मोबाइल कंपनी विच वॉज एक्वायर्ड द वेदर ऐप नेम डार्क स्काई। उस मोबाइल कंपनी का नाम बताइए जिसने वेदर ऐप डार्क स्काई को अधिग्रहण कर लिया है। तो ये अधिग्रहण किया है एप्पल ने। किसने किया है? मोबाइल कंपनी एप्पल ने। तो इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एप्पल। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एप्पल। और एप्पल ने ये जो एक्वायरेशन है वो किसके साथ किया है? डार्क स्काई के साथ किया है। इससे जो है वो कब बारिश होने वाली है, कब बारिश नहीं होने वाली है, इन सब चीज़ों का पता लगाया जाता है। हालांकि इसको कह सकते हैं कि अधिग्रहण करने के बावजूद भी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी कॉस्ट अगर देखी जाए तो 3.99 US डॉलर है, लेकिन इसको कोई ज़रूरत नहीं है अपडेट करने की किसी भी प्रकार से, इसको नया डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुराने प्रोग्राम्स के साथ ही काम करेगा। नेम द इंडियन बायोटेक कंपनी विच टाइज अप विथ फ्लू जेन एंड वायरोलॉजिस्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सन मेडिसिन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ COVID-19 वैक्सीन नेम्ड कोरोफ्लू। तो कोरोफ्लू नाम की ये जो कह सकते हैं कि ये नाम की जो ये वैक्सीन बनाने की बात करी जा रही है, तो किस यहाँ पे पूछा गया, भारतीय बायोटेक कंपनी का वो नाम बताइए जो क्लोरोफ्लू नाम की COVID-19 की वैक्सीन का डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए, या उसको कह सकते हैं कि आगे अच्छे तरीके से समझने के लिए विस्कॉन्सन मेडिसिन विश्वविद्यालय में फ्लूजन और वायरोलॉजिस्ट के साथ किसने जो है वो टाई अप किया है, संधि करी है। तो ये संधि करी है भाई बायोटेक, भारत बायोटेक ने। किसने करी है? थर्ड क्वेश्चन का आंसर है उसने करी है, भारत बायोटेक। ठीक, तो थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम इन लेटेस्ट फीफा रैंकिंग 2020 रिलीज्ड ऑन 9 अप्रैल 2020। ठीक है, 9 अप्रैल 2020 को फीफा रैंकिंग में जो है वो जारी की गई है, करी गई है। इसमें भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक कितनी है? तो भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक जो है 108 है, 108 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 108। तो ये तो हो गई भारतीय फुटबॉल टीम की बात। यहाँ पर फीफा के फुल फॉर्म की बात देखें तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन है, या इसको शॉर्ट मतलब आप नॉर्मली इंग्लिश में भी बोल सकते हैं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन।
ठीक है। तो कोका कोला वर्ल्ड कप 2020 की जो ये कह सकते हैं रैंकिंग रिलीज़ हुई है, इसमें फर्स्ट फर्स्ट स्टेज पर जो है, सबसे पहले नंबर पर जो है वो बेल्जियम है, और दूसरे नंबर पर जो लास्ट कह सकते हैं कि जो फ्रांस जो चैम्पियन थी फीफा का, वो सेकंड नंबर पर है, और ब्राज़ील जो है वो थर्ड नंबर पर है, और भारत जो है वो 108 नंबर पर है 1187 पॉइंट्स के साथ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है वर्ल्ड वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2020 इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, मतलब जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो इस वर्ष 2020 का विश्व होम्योपैथिक दिवस जो है वो कब मनाया गया है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है भाई 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 अप्रैल, ठीक है। और 10 अप्रैल को मनाने की वजह यहाँ पर क्या है कि जो होम्योपैथी के फादर ऑफ होम्योपैथी जिनको बोलते हैं, वो उनका 261st जो है 65th जो है वो बर्थडे मनाया गया है। और ये एक जर्मन फिजिशियन थे जिनका नाम था सैमुअल हैनीमैन। क्या नाम है? सैमुअल हैनीमैन। पूरा नाम यहाँ पर लिखा है डॉक्टर क्रिस्टीन फेडरिच सैमुअल हैनीमैन, आप शॉर्ट में सैमुअल हैनीमैन के नाम से इनको याद रख सकते हैं। तो इन्होंने जो है काफ़ी अच्छा योगदान दिया है होम्योपैथी के फील्ड में। और इस वर्ष की जो थीम है वर्ल्ड होम्योपैथिक डे की, वो थीम है एनहैंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ, एनहैंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ, ये 2020 की थीम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है नेम द ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसी विच सेलिब्रेट प्ले ट्रू डे 2020 विद द थीम ऑफ प्ले सेफ ऑन प्ले ट्रू डे 2020 ऑन अप्रैल 9, 9 अप्रैल को प्ले सेफ ऑन प्ले ट्रू ट्रू डे, ये थीम के साथ प्ले ट्रू डे किसने मनाया है, किस एजेंसी ने? तो एक दिवस है खेल के आधार पर, एक दिवस है जिसका नाम है प्ले ट्रू डे, मतलब सही तरीके से प्ले करने वाली बात यहाँ पर करी गई थी। तो वो प्ले ट्रू डे, ट्रू मतलब सत्य वाला ट्रू, ठीक है, प्ले ट्रू डे ये किसने मनाया है? तो ये मनाया है भाई वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने, वाडा ने। इसको शॉर्ट में वाडा भी कहा जाता है, WADA इसका करेक्ट आंसर है, दूसरा WADA वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ट्रू का मतलब यहाँ से आप समझ में आ गया होगा कि एंटी डोपिंग होना मतलब सही तरीके से खेलना, छल कपट करके नहीं खेलना है, डोपिंग करके नहीं खेलना है, ठीक है। तो ये है, और इसकी जो थीम है वो क्या है? प्ले सेफ ऑन वर्ल्ड प्ले सेफ ऑन प्ले ट्रू डे 2020। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज नो स्मोकिंग डे 2020 ऑब्जर्व्ड, नो स्मोकिंग डे 2020 जो है वो कब मनाया गया? तो नो स्मोकिंग डे 2020 मनाया गया है आपका 11 मार्च को। इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? 11 मार्च जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आपको यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा 11th मार्च। और ये जो नो स्मोकिंग डे मनाया गया, ये हर वर्ष जो है वो वेडनेसडे, मार्च के सेकंड वेडनेसडे को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, मार्च के सेकंड वेडनेसडे को मनाया जाता है, हर वर्ष मार्च के सेकंड वेडनेसडे को ये मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस बार ये सेकंड वेडनेसडे कब पड़ा है? मार्च 11 को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट विल बी द न्यू नेशनल स्लोगन ऑफ बांग्लादेश एज ऑब्जर्व्ड बाई एज ऑर्डर बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री, बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बांग्लादेश का नया जो राष्ट्रीय स्लोगन है वो स्लोगन क्या है? तो अब ये स्लोगन है जय बांग्ला, तो ये बांग्लादेशी भाषा में है जय बांग्ला, ठीक है। तो जय बांग्ला जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा होगा। वास्तविक रूप में देखा जाए तो इस स्लोगन का उपयोग जो है बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री जो थे मुजीबुर रहमान, उन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय में 1971 के युद्ध के समय, पाकिस्तान से युद्ध के समय में, इस नारे का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया था। तो उसी शब्द का जो है, उसी नारे का जो है यहाँ पर नेशनल स्लोगन के रूप में इसको माना गया है, जोए बांग्ला। अगला क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच इज़ गोइंग टू मेजर ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर एक नया कह सकते हैं कि शुरुआत है, जैसे आप लोगों ने GDP सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसी तर्ज पर GEP को जो है वो नापने का काम कौन से राज्य ने किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने, ठीक है। देहरादून में एक एजेंसी है जिसकी सहायता के साथ ये किया गया है, और देहरादून में जो एजेंसी है उसका नाम है HESCO, HESCO, HESCO। HESCO का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, HESCO का फुल फॉर्म है हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड कन्वर्सेशन ऑर्गेनाइजेशन, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये देहरादून में है, और इसी के द्वारा जो है GEP की गणना करी जा रही है। GEP यानी कि क्या नाम है, ग्रॉस एनवायरमेंटल
प्रोडक्ट। ठीक, तो मौद्रिक जो कह सकते हैं कि मूल्य का आकलन तो सभी लोग करते हैं, रुपए पैसा जो है जीडीपी के रूप में तो ज़रूर देखा जाता है सभी का, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि भैया ये जो है धन संपदा भी, धन संपदा के साथ साथ प्राकृतिक संपदा की भी गणना होनी चाहिए। अच्छी पहल है ये एक तरीके से। अगला क्वेश्चन है, हु ऑथर द बुक मेमोरीज मेमोरियस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। आपको बताना है कि संस्मरण और गलत सूचना नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है। ये किताब लिखी गई है दो राइटर्स के द्वारा, और ये दो राइटर्स हैं जिमी कैरी एंड डेना वैकन। ठीक है, तो जिमी कैरी और डेना वैकन, ये जो है डेना वैकन जो है ये आपको मिलेंगे ऑप्शन नंबर 4 में एक साथ। ठीक है, बोथ 1 एंड 2, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन दोनों, इनकी ये किताब जो है मई 2020 में प्रकाशित की जाएगी, और प्रकाशित करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है नूफ पब्लिशिंग। ठीक, उसका नाम क्या है? नूफ पब्लिशिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन 34th एनुअल लिस्ट ऑफ ग्लोबल बिलियनियर्स 2020 रिलीज बाई फोर्ब्स। तो फोर्ब्स के द्वारा जो 34वीं ग्लोबल बिलियनियर्स 2020 की जो सूची शामिल हुई है, वार्षिक सूची जो जारी की गई है, उस सूची के अनुसार अनिल मुकेश अंबानी की जो रैंक है वो कितनी है। तो मुकेश अंबानी जी की जो रैंक है वो है 17वीं। भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पहली रैंक ज़रूर है इनकी, लेकिन पूरे विश्व के हिसाब से देखा जाए तो सबसे 17वें नंबर पर इनका नाम आता है। तो टॉप में जिनका नाम आता है वो कौन है? टॉप में जिनका नाम आता है वो है अमेज़ॉन के फाउंडर और सीईओ हैं, जिनका नाम है जेफ बेजोस। और कह सकते हैं कि इसके बाद जो दूसरे नंबर पर नाम आता है जिनका, वो हैं बिल गेट्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं लिस्ट दिखा दे रहा हूँ, फर्स्ट थ्री कौन है? बेजोस हैं, और फिर इसके बाद बिल गेट्स हैं। ये तो दो नाम आपको बड़े बड़े मिल जाएंगे, दो बड़े बड़े नाम आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मुकेश अंबानी की बात करते हैं तो मुकेश अंबानी जो है वो 17वें नंबर पर हैं, लेकिन भारत में पहले नंबर पर हैं, इंडिया में टॉप नंबर पर हैं। ठीक है, और राधा कृष्णा दामिनी जो फैमिली है ये 16th नंबर पर है, और शिव नादर जो है वो 60 नंबर कह रहे हैं, सेकेंड नंबर पर है इंडिया में, और वर्ल्ड में 65 नंबर पर है, और शिव नादर जो है वो 116 नंबर पर हैं, और भारत में थर्ड नंबर पर है, थर्ड पोजिशन पर है। अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज़ द इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एज पर यूएनस रिपोर्ट टाइटल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल सर्विस सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2020 टूवर्ड्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स। तो एक यूएन की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण एशिया प्रशांत 2020 स्थायी अर्थव्यवस्थाओं की ओर। इस शीर्षक की जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी की गई है, और इसके द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी का जो जो अनुमान लगाया गया है वो कितना लगाया गया है। तो भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया गया 4.8%, ये आपको ध्यान रखना है, 4.8% भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया गया है। हालांकि 2021-22 के लिए ये थोड़ा सा और बढ़ाया गया है और इसको 5.1 किया गया है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 की वजह से देखा जाएगा तो 4.8 ही रहेगा, काफ़ी कम है ये। अगला है क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल्स वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर्स इन इंडिया हैव रिस्क टू फॉलिंग इनटू पॉवर्टी एज पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। तो आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कितने लोगों के गरीबी में गिरने के जोखिम हैं। तो भैया ये बहुत बड़ा आकलन है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग, मतलब जो कह सकते हैं जैसे बहुत ही छोटे स्तर पर काम करने लोग हैं, जैसे बाहर घर में, घर के बाहर कोई रेड़ी लगाता है, चाट बताशे और मतलब जो भी पूरी है ना, ये सब बेचने वाले जो लोग होते हैं, या छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, मोची हैं, बार्बर हैं, है ना, ये सब जो है आपके इसमें आएंगे इनफॉर्मल सेक्टर में, और ये इस तरीके के लोगों को गरीबी में गिरने का जोखिम है। कम से कम इनकी संख्या बताई गई है जो वो है 400 मिलियन, यानी कि तीसरा आंसर इसका सही है। ये रिपोर्ट बहुत ही ख़तरनाक है, लगभग 90% की आबादी को ये कवर करेगा अगर देखा जाए तो इनफॉर्मल इकोनॉमिक्स के हिसाब से। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर्स, जिसमें हमने 11 और 12 तारीख के करंट अफेयर्स को कवर किया। उम्मीद है आपको ये करंट अफेयर्स का सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, और यदि अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूलिए, क्वेश्चन करना ना भूलिए। दोस्तों इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करिए। आपको इस लेक्चर की PDF कल प्रोवाइड कर दी जाएगी, और ये PDF आपको नीचे जो मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं इस पर व्हाट्सएप पे साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू एंड
हैव अ सेफ डे अहेड।